कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कार्यालय में आदिवासियों के सिरमौर बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कमलनाथ सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने उनके योगदान को याद किया और कहा कि बिरसा मुंडा ने समाज को जगाने का काम किया है। देश के आदिवासी समाज के सिरमौर बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश का CIC पारा चढ़ गया है। आदिवासी समाज को अपने पाले मिलाने को कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त रस्साकसी देखी जा रही है। एक तरह से इसे 2023 की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी सहित तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अगर हम इतिहास देखें पूरे उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का, ऐसा एक नौजवान जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया केवल अपने समाज के लिए तब गरीबों के लिए, तो जब आप कहते हैं कि ये आदिवासी नेता है, आदिवासी नेता केवल नहीं है, ये समाज है और ठीक है। उस समय जब लोग घबराते थे, अंग्रेजों से घबराते थे, इतनी कम उम्र उन्होंने इतने आंदोलन किए, केवल आजादी के लिए ही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, लगान के खिलाफ। अब लगान का प्रश्न तो आदिवासी पर ही लागू नहीं होता, लगान तो सब पर लागू होता है। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, जेल गए और बड़ी कम उम्र में उनकी जिंदगी हुई, एक दुर्घटना हो जिंदगी। अगर वो जीवित रहते तो शायद वो इतिहास और लिखा जाता। मैं आज ज्यादा ना कहते हुए मैं उनके पूरी स्थिति पर यही कहना चाहता हूं, संकल्प हमारे लिए बहुत सारे देश उदाहरण, पर बिरसा मुंडा जी उस उदाहरण में समय जिन्होंने आगे आने वाले समाज के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को एक विषय, ये सबसे आवश्यक बात है कि इस प्रकार के उदाहरण थे। जब कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था, वो जेल जाने को तैयार थे। आवाज उठाना तो छोड़ दे, वो तो जेल जाने को तैयार थे। तो आज उनके पुण्यतिथि पर हम संकल्प लें, आज जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं किया, ये तो पूरा रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दे दे, ये जो रिकॉर्ड है, जितना आदिवासियों पर आज अत्याचार हो रहा है, ये गौरव दिवस क्यों है? बिरसा मुंडा ने भगवान का रूप लिया, और अगर हम इतिहास देखें पूरे उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का, ऐसा एक नौजवान जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया केवल अपने समाज के लिए, तब गरीबों के लिए, तो जब आप कहते हैं कि ये आदिवासी नेता है, आदिवासी नेता केवल नहीं है, ये समाज है और ठीक है। उस समय जब लोग घबराते थे, अंग्रेजों से घबराते थे, इतनी कम उम्र थी उन्होंने इतने आंदोलन किए, केवल आजादी के लिए ही नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, लगान के खिलाफ। अब लगान का प्रश्न तो आदिवासी पर ही लागू नहीं होता, लगान तो सब पर लागू होता है। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, जेल गए और बड़ी कम उम्र में उनकी जिंदगी हुई, एक दुर्घटना हो
अगर वो जीवित रहते तो शायद वो इतिहास और लिखा जाता। मैं आज ज्यादा ना कहते हुए मैं उनके पुण्यतिथि पर यही कहना चाहता हूं कि आज हमें संकल्प हमारे बहुत सारे देश उदाहरण पर बिरसा मुंडा की उस उदाहरण में समय जिन्होंने आगे आने वाले समाज के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई विषय ये सबसे आवश्यक बात है कि इस प्रकार के उदाहरण थे जब कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था वो जेल जाने को तैयार आवाज उठाना तो छोड़िए वो तो जेल जाने को तैयार थे। तो आज उनके पुण्यतिथि पर हम संकल्प लें आज जो अत्याचार हो रहा है ये नहीं किया ये तो पूरा रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दे दे ये जो रिकॉर्ड है जितना आदिवासियों पर आज अत्याचार हो रहा है अपने प्रदेश के इतिहास के पढ़िए किस तरह भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटते आज ये बात हमें समझनी है कि समाज को बांटते समाज को बांटने की आदिवासी समाज हो किसी को कहिए तुम कोई भी आवाज उठाओ तुम कोई भी आवाज उठाओ तुम भीम मेला की आवाज उठाओ क्योंकि अगर आदिवासी एक हुए तो आवाज बहुत ऊंची होती है बहुत सख्त होती है कैसे विचार किया जाए कैसे समाज में विघात किया जाए ताकि सब एक आवाज से ना बोल पाए ये धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर ये तो शुरुआत है जातियों को लड़ना गया ताकि जातियों में भी विवाद पैदा हो इससे हमें कैसा अपना देश सुरक्षित रहेगा। तो आज ये हम संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी की आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस ही है जिसने हमेशा हमारे संविधान की बात हो इंदिरा गांधी की बात हो हमेशा आदिवासियों के बारे में सोचा उनकी रक्षा करिए कानून बनाए और आज ये हम संकल्प लें ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है हम संकल्प लें कि हम समाज को बांटने का जो भारतीय जनता पार्टी का निराश है हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। मैं फिर से प्रणाम करता हूं अपनी स्थिति में उनको नमन करता हूं भगवान ईश्वर। मध्य प्रदेश में चुनाव बहाने देश भर के आदिवासी समाज के अति पिछड़ों को साधने की कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। कमलनाथ आदिवासी समाज को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।